नमस्ते दोस्तों, जब भी आप एक अच्छे 4 स्टार 5 स्टार होटल रूम में जाते हैं, वहाँ के रूम में चेक इन करते हैं, तो रूम की फंक्शनलिटी देख के, उसके कलर कॉम्बिनेशन को देख के, यूटिलिटी को देखकर और पूरे ओवरऑल रूम के लुक को देखकर मन से निकलता है वाव, क्यों ना इस तरह का रूम हमारे घर पर भी हो, रोज़ हम इसी तरह के बेडरूम में रुकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही है कि कैसे हम हमारे रेगुलर बेडरूम को, ऑर्डिनरी बेडरूम को, एक होटल रूम जैसा लुक दे सकते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं डिटेल में। होटल जैसे रूम का लुक के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है लाइटिंग। हम जो हमारा बेडरूम बनाते हैं उसमें लाइट का पर्पज जनरली क्या होता है कि चलो ओवरऑल रोशनी हो जाए, तो हम लाइट्स कैसे यूज़ करेंगे, या तो एलईडी ट्यूबलाइट यूज़ कर लेंगे, एलईडी बल्ब्स यूज़ कर लेंगे, या फिर सीलिंग में कुछ लाइट्स यूज़ कर लेंगे। बट इतना पर्याप्त नहीं है। आपने होटल में देखा होगा कि एक तो वाइट लाइट की जगह येलोइश बॉम वाइट लाइट का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उससे थोड़ा रूम का रुक रिच आता है, थोड़ा लेविश लुक आता है। उसके बाद हर चीज़ के लिए अलग अलग लाइट्स डेडिकेटेड रहती है। जैसे अगर मान लीजिए पैसेज है तो उसके लिए ऊपर सीलिंग लाइट लगी रहेगी, वार्डरोब है तो उसके लिए वार्डरोब लाइट्स लगी रहेगी, जो हमारा बेड है उसके दोनों साइड, जो बेड साइड टेबल है उस पर भी या तो लैंप लगा रहेगा या फिर वॉल माउंटेड लाइट्स लगी रहेगी, एलईडी पैनल पे भी थोड़ी सी डेकोरेटिव लाइट्स लगी रहेगी, रात में यूज़ करने के लिए फुटर नाइट लैंप्स लगे रहेंगे। तो इस तरह की पर्पसफुल हर चीज़ के लिए डेडिकेटेड लाइट हमें यूज़ करनी चाहिए। पर हाँ, व्हाइट लाइट का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें पढ़ना है तो उसके लिए व्हाइट लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बॉम व्हाइट लाइट और साथ में व्हाइट लाइट दोनों का मिक्सिंग करके अपने रूम को एक रिच होटल जैसा लुक दे सकते हैं। रूम में नेचुरल लाइट के रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे होने चाहिए। आपने होटल्स में देखा होगा एक पूरी वॉल ही ग्लास की बनी होती है, उसमें बाहर बालकनी रहती है, तो अगर हम पर्दे हटाते हैं तो बहुत अच्छी रोशनी अंदर आती है। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की वॉल हमारे अगर रूम में पॉसिबल है तो बनाएं, पर अगर पॉसिबल नहीं है तो विंडो की साइज जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी रखें। बड़ी विंडो होने से प्रॉपर सनलाइट अंदर आएगी, प्रॉपर रोशनी अच्छी आएगी, तो एक अच्छा एम्बियंस रूम का निकल के आए। होटल्स में जनरली आपने देखा होगा एक सीलिंग हाइट तक कर्टन लगे रहते हैं और एक पूरे ब्लैकआउट कलर के कर्टन लगे रहते हैं। तो अगर आपको होटल जैसा लुक देना है तो आप ट्राई करिए कि जो भी साइज की विंडो है पर कर्टन कम से कम आप सीलिंग हाइट तक ले जाइए, ट्रैक पे कर्टन लगाइए, उसके अंदर शीयर वाले कर्टन और ब्लैकआउट कर्टन दोनों तरह के कर्टन काम में लीजिए। बड़े कर्टन लगाने से आपका रूम का लुक रिच आएगा, रूम थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा और होटल जैसे रूम का एहसास आपको होगा। बड़े कर्टन के साथ साथ जो हमारी बेड बैक है उसकी साइज का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जनरली इसकी हाइट होती है 18 इंची, 16 इंची, मैक्सिमम 21 इंची, पर हम बात कर रहे हैं होटल जैसे लुक को कैसे अचीव करें, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जो बेड बैक है उसको बड़ा बनाइए, 24 इंची 36 इंची तक बनाइए। उसके जो फैब्रिक का कलर है वो भी साटिन कलर, थोड़ा सा वेलवेट कलर और इस तरह का जो लिनन कलर, थोड़ा रिच कलर काम में लीजिए और थोड़ा सा उसको डिज़ाइनर बनाइए और थोड़ा सा प्लफी बनाइए। तो ये बेड बैक के लुक को, टाइप को चेंज करके भी आप अपने रूम का लुक होटल जैसा कर सकते हैं। एक बड़ी साइज का मिरर भी आपके ऑर्डिनरी रूम को एक होटल जैसा लुक दे सकता है। तो मेरा सजेशन है कि आप छोटा मिरर मत लगाइए, एक बड़ी साइज का, लगभग 5 से 6 फीट हाइट में और लगभग 21 से 24 इंची विड्थ में और प्रॉपर लाइटिंग के साथ में एक मिरर दीजिए, तो आपको तैयार होने में आसानी रहेगी और आपके रूम का लुक भी होटल जैसा होगा। किसी भी आप अच्छे होटल रूम में चले जाइए, एक एक्स्ट्रा सीटिंग का प्रोविज़न आपको हमेशा मिलेगा, चाहे वो काउच होगा, चाहे 2 या 3 सीटर सोफ़ा होगा, चेयर्स होगी, या फिर बेड के लास्ट में एक बेंच होगी। ये हमारे क्या होगा कि एक्स्ट्रा एक तो बैठने के लिए स्पेस मिल जाता है, कुछ सामान रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, टीवी देखना है, चाय पीनी है, इस सब चीज़ के लिए प्रॉपर जगह हो जाती है। हमारे जो इंडियन बेडरूम्स हैं उसमें इस चीज़ की कमी रहती है, एक डबल बेड तो रहता है पर एक्स्ट्रा सीटिंग के लिए हमें कोई चीज़ें नहीं रहती है। तो आप होटल जैसे रूम का लुक अचीव करना चाह रहे हैं तो छोटा सा अपने रूम की साइज के अकॉर्डिंग जो भी पॉसिबल है एक एक्स्ट्रा सीटिंग का प्रोविज़न अपने रूम में ऐड करिए। एक अच्छे होटल रूम में कंफर्टनेस के साथ में फंक्शनलिटी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। आपने देखा होगा कि एक स्टडी टेबल का प्रोविज़न हमेशा होटल रूम में रहता है। ये केवल स्टडी टेबल नहीं होती है, आप अपना कोई छोटा लैपटॉप बैग भी वहाँ रख सकते हैं, मोबाइल चार्जर भी वहाँ लगा सकते हैं, आपने कोई पानी की बॉटल्स वगैरह भी वहाँ रख सकते हैं, बुक्स पढ़नी है तो बुक्स भी वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं या रख सकते हैं। पर हमारे इंडियन बेडरूम में इस चीज़ की कमी रहती है।
अब तो दोस्तों जब भी आप अपना बेडरूम रिनोवेट कर रहे हैं या बनवा रहे हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि एक छोटी सी स्टडी टेबल अपने रूम की साइज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जरूर अपने फर्नीचर में ऐड कराइए। जनरली रूम में हम फर्नीचर का तो ध्यान देते हैं पर वॉल के ऊपर ज्यादा कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। होटल्स में आपने देखा होगा एक जो बेड के बैक वाली वॉल है वो एसेंट वॉल मतलब एक डेकोरेटिव वॉल के रूप में वो डेवलप करते हैं। उसमें सुंदर सा वॉलपेपर लगाएंगे, लाइटिंग देंगे, कोई अच्छी सी पेंटिंग देंगे या उसके ऊपर मेटल आर्ट्स देंगे जिनको हम आर्टिफैक्ट्स भी बोलते हैं। इस तरह की कुछ ना कुछ डेकोरेटिव चीज़ लगाकर वो रूम को पूरा डेकोरेट कर देते हैं और जो पैसेज है वहाँ पे भी कोई सुंदर सी पेंटिंग्स लगा देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यूज़ करके हमारे ऑर्डिनरी बेडरूम को भी हम एक होटल जैसा लुक दे सकते हैं। टीवी पैनल आजकल बेडरूम में कॉमन चीज़ हो गई है। अच्छे होटल्स में आपने देखा होगा साउंड सीधे टीवी में से नहीं आता है, बैक में भी कई जगह कॉर्नर्स में स्पीकर लगे हुए रहते हैं तो उससे टीवी देखते समय आपको एक प्रॉपर एक थिएटर जैसा फील आता है। तो क्यों ना हमारे ऑर्डिनरी बेडरूम में भी ये चीज़ हम कर सकते हैं। करना क्या है, आपको स्पीकर प्रॉपरली अपने रूम में सेट करने हैं ताकि जब भी आप टीवी देखें एक प्रॉपर एम्बियंस वहाँ पे आए और अच्छा साउंड आपको मिले। होटल जैसा रूम का लुक अचीव करने के लिए कलर कॉम्बिनेशन का भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हमारे फर्नीचर का कलर हो, चाहे हमारे जो लिनन बेड शीट्स हैं उसका कलर हो, सोफे का कलर हो या फिर वॉल का कलर हो। कलर एक थीम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने सब कुछ खिचड़ी बना ली। और एक शांत कलर जो न्यूट्रल कलर हैं या फिर रिलैक्सिंग कलर हैं, इस तरह के कलर हमें बेडरूम में काम में लेने चाहिए। होटल रूम के फर्नीचर को एक जोन डिवीजन के तहत डिज़ाइन किया जाता है, वहाँ पे सीटिंग का और स्टडी का एक अलग जोन होता है, स्टोरेज वार्डरोब एक अलग जोन में होती है और स्लीपिंग के लिए एक अलग जोन होता है और एक वॉल पे टीवी पैनल वगैरह रहता है। तो इससे होगा क्या, एक तो आपके रूम की फंक्शनलिटी पूरी मेंटेन रहेगी और जो वॉकिंग स्पेस है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो हमें भी हमारे बेडरूम को डिज़ाइन करते समय हमारी यूटिलिटी को ध्यान रखना ही चाहिए पर साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी चीज़ एक दूसरे को डिस्टर्ब ना कर रही हो और हमारा रूम प्रॉपर लुक तो रहे ही सही और उसकी फंक्शनलिटी भी बहुत अच्छी बनी रहे। तो इस तरह से प्रॉपर फंक्शनलिटी को मेंटेन करके भी आप अपने रूम का लुक होटल जैसा कर सकते हैं। एक अच्छे होटल रूम में कुछ लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी काम में लिए जाते हैं, जैसे कि मेन एंट्रेंस डोर पर इलेक्ट्रॉनिक लॉक, उसके बाद वार्डरोब के अंदर लॉकर, हमारे जो लाइट्स है बाथरूम के अंदर वो सेंसर लाइट्स या फिर छोटा सा मिनी फ्रिज या इलेक्ट्रिक केटल। तो इनमें से जो हमें ज़रूरत लगे वो चीज़ें यूज़ करके भी हमारी यूटिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, कंफर्टनेस बढ़ा सकते हैं और एक होटल जैसे रूम का लुक भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो में देखा किस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के हमारे रूम का न केवल हम लुक बढ़ा सकते हैं बल्कि उसकी फंक्शनलिटी भी बढ़ा सकते हैं, उसका कंफर्ट भी बढ़ा सकते हैं और जो एक अच्छे रिच होटल जैसा रूम का लुक हम अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह के बेडरूम से रिलेटेड और अदर इंटीरियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।